भी अपना एक नाम शेयर करेंगे, उसके बाद बाबा नईम साहब की दस्तरबंदी होगी। तो अजीम से धन्यवाद शाह साहब, जितने भी बाबा नईम साहब की दस्तरबंदी करना चाहते हैं वो भी नजदीक आ गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मैंने बताया ना कापर को एसएमबी के साथ पढ़ाने का अमल, ये देखिए हमने नीले से कापर निकाल लिए सिर्फ 5-4 घंटे के अंदर अंदर, और ये नीले से कापर भी बैठ रहा है, ये देहलीज का रिजल्ट आ गया आपके सामने। अब इसका पानी जब बिल्कुल वाइट हो जाएगा, ये कापर निकाल कर इसमें हम कली और पाले की जो गिरा होगी ना, वो एक रत्ती फी तोला कापर के हिसाब से लगाएंगे और तीन रत्ती हम इसमें सोनमुखी लगाएंगे और क्वार जंगल के टेप रस से खल करके इसे 10 किलो की आग देंगे। ये तीन आगों में एसिड प्रूफ भी हो जाता है और पानी में तहलील होना भी शुरू हो जाता है। ये अमराज शबीसा पे भी काम करता है, और जो किसी भाई को बात की समझ ना आए वो 03006960074 पे मेरे से रब्ता कर सकता है। ये एक रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट ये देखिए इनका, ये थोड़ा सा साइड पे हो जाए ना भाई, थोड़ा सा साइड पे हो जाए। सलाम मुस्तफा साहब, मुजम्मल पीरजादा साहब, शायद थोड़ा सा साइड पे हो जाए। अच्छा, ये हमने कलमी शोले के साथ वर्किया के साथ चूना और काली सब्जी और सारी तरह से जो वर्किया बनाई थी मंडी बहुदीन में, उसके साथ हमने शोरा कैम किया है। अब एक तोला शोरा लेकर 60 ग्राम जिस्त पे डालेंगे चुटकी चुटकी करके, और उसे लोहे के डंडे से खल करते जाएंगे। ये शोरा ये जिस्त एसिड प्रूफ होगी, एसिड प्रूफ हो जाएगी, और ये किडनी के जो आर्टिकल सिस्टम होता है उसके जो कैंसर होते हैं उसको कवर करती है ये जिस्त का गुस्सा, और एसिड प्रूफ होता है और कैमोनार होती है। और इस बच्चे ने मरीज को दवाई दी है, उसकी जो गुर्दा जो खुद का खुद कार निज़ाम है अल्लाह ने बनाया डायलिसिस का, वो खुद डायलिसिस करने पड़ते थे, इसने 3-4 दिन दवाई दी है, सोच पड़ी हुई थी, वो मरीज काफ़ी बेहतर हो गया। गुलाम नबी सियासी ने और ये मेरे फार्मूले थे, तो मैंने आप दोस्तों की नज़र कर दी है। रिजवान शाह साहब हमारे सरपरस्ते आला मोहम्मद नईम कासमी साहब, इनकी मोहब्बत का भी शुक्रगुजार हूँ। फहीम साहब, तकीर साहब, उजार रफी शाह साहब, अब्दुल जब्बार नासिर साहब, इन तमाम दोस्तों की मैं मोहब्बत का शुक्रगुजार और दिल की थाक रहे हैं, इनको वेलकम करता हूँ। और ये मेरे मौसमे आला हैं रिजवान शाह साहब, गाँव में याद रखे हैं आपका भाई की बाबा नईम अगर, मेरे चैनल का नाम है बाबा एक्सपेरिमेंट। इंशाल्लाह ताला 1 महीने में 3-4 प्रैक्टिकल पे लाजमी आया करेंगे इंशाल्लाह। इसी को बंद कर देना, जोहर ले लेना, बाकी चीजों को बंद करके दोबारा भी जोहर लेने। ये तीन अमल करने हैं, तीन अमल के अंदर आपका जितना भी जोहर हासिल होता है 3 ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है, जितना भी होता है उसके, अगर आपने कुछ टाइम गोल्ड 1 ग्राम शामिल कर देना, कुछ टाइम गोल्ड 1 ग्राम शामिल कर लेना, ये आपका अमल पूरा हो गया, इसको साइड में रख लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने बड़ी कढ़ाई लेनी है, न्यू कढ़ाई लेनी है, ये अमल बनाने के लिए न्यू कढ़ाई लेनी है आपने, ठीक है। और इसको अभी चूल्हे पे नहीं रखना, आपने एक तोला नीला अच्छे वाला लेना है। नीले की पहचान क्या है, लोग खड़की ले लेते हैं, उनकी पहचान ये है, आप किसी भी हल्का सा नीला करके ना उसके ऊपर उसकी लगाएंगे ना, जर्ब लगाएंगे या लकीर लगाएंगे, वो आपकी सिल्वर होगी, ठीक है। इसका मतलब ये आपका नीला एक नंबर है, वो लेना, इतना अमल करने की वरना जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो ले लेना है, उसको पीस के आपने कढ़ाई के पेड़ पर डाल देना है, उसमें आपने 2 लीटर गुलाब का रस असल वाला जो स्याह आता है वो आपने 2 लीटर डाल देना किनारे के साथ डाल, ठीक है। उसके बाद आपने उसको नीचे ही अभी चूल्हे पर नहीं रखना, आपने पिपल का डंडा लेना है, ठीक है, इसके साथ गोल दायरे में घुमाते जाना, ठीक है। आधे घंटे का टाइम आपने नोट कर लेना है, गोल दायरे में घुमाते जाना है आपने,
जब आपका आधा घंटा पूरा हो जाए इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है, हल्की आंच पे रखना, इसको उबालना ना आते, कम से कम ये 4 से 5 घंटे में ये पूरा हम लोग का है। मैंने ये अमल करके मेरे थोड़ी सुखी साहब की वजह से, इसलिए जो टाइम लेट मिला ताकि वो तरतीब है ये मैं इसको मिक्स करके लाया हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने चूल्हे पे रखना है, मिक्स करते जाना है, जो आप देखेंगे सबसे ऊपर किनारे के ऊपर उसके नीचे भी पानी इसमें डालना है, उसको नहीं बीच में मिक्स करना, जो लहर होगी वो आपके कारामद नहीं है, वो तांबा है, ठीक है, उसको आपने छोड़ देना, वो कच्चा तांबा है। उसके बाद फिर एक लहर आएगी उसको भी छोड़ देना है, उसके बाद एक और लहर आएगी उसको भी छोड़ देना है। नीचे आपके पैंडे में 2 ग्राम 1 ग्राम या 3 ग्राम आपका जो है ना बेहतरीन साफ व्हाइट कलर का या सिल्वर कलर ब्लैक कलर का आपका पड़ा होगा, ठीक है, उसको मिक्स कर लेना है, समझ लगी, उसको आपने मिक्स करके वो आप एक आधी रखी जिस मरीज को देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको दवाई देगा। खाने के लिए उन्हीं लोगों को एंटरटेन किया जाएगा इंतजामिया की तरफ से जिनके पास कार्ड है। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम तौकीर सन्यासी साहब से, जनरल सेक्रेटरी पुष्टा साधी गई यूनिफिकेशन दिव्य फाउंडेशन, डॉक्टर तारिक साहब दस्तार सजाई करेंगे बाबा नेम साहब की, स्टेज के राइट साइड पे यह दस्तार सजाई की तकरीब हो। हकीम अल्ताफ हुसैन तारा वाला बाबा नहीं भद्र जी दस्तापति कर रहे और ये हकीम हुसैन मुल्ला पूरा बलूचिस्तान बाबा नहीं भद्र जी दस्तापति करेंगे। मोहम्मद रिजवान खराब चिश्तिया वो भी बाबा नहीं बहादुर की दस्तावेजी कर रहे जी एक नीले का नुस्खा दिया मैंने आज, उसकी तरतीब सुन ले, 1 तोला नीला है और 2 लीटर उसमें रखे गुलाब है, कढ़ाई के अंदर रखने और हल्की आंच पर उसको आपने ये जी इंडिया से आनंद राव एक भाई हैं हमारे, उन्होंने 60,000 रुपये भेजे थे अपनी खुशी से मिठाई के लिए, जिसमें 15,000 रुपया मेरा था, 15,000 रुपया सैयद रिजवान शाह साहब
और बाबा नईम अहतर और फकीर भाई का, तो मेरे पास उनकी अमानत है, वो आनंद राव की तरफ से मैं लेना चाहता हूँ। तो पहले मैं दावत देता हूँ बाबा नईम अहतर को, वो स्टेज पे आए और अपने जो गिफ्ट है अपना 15,000 करेगा आनंद राव की तरफ से। और ये एक सूट है बाबा नहीं मैं तेरे को मेरी मिशन की तरफ से अच्छा ये दूसरा गिफ्ट 15,000 रुपए का सैयद रहमान शाह साहब को आनंद राव की तरफ से इंडिया से, तो साथ एक सूट जो है वो बस बस मुबारक।